देखिए इंदौर लगातार 3 बार नंबर 1 लेके आया है पूरे देश में स्वच्छता में, और उसके बाद से ही इंदौर जो है काफ़ी आगे निकल चुका है स्वच्छता के मामले में। इसके बाद ये इस बार जो टीम आने वाली है ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है चरण रहेगा इस टीम का। इसके पहले जो टीम दो टीमें आ चुकी है वाटर प्लस और ODF प्लस प्लस, ये जो दोनों टीमें आई थी उन्होंने पूरा यहाँ पे आके चेक किया था कि किस प्रकार से यहाँ पे वाटर प्लस की जो टीम है उन्होंने एक ये चेक किया था कि यहाँ पे किस प्रकार से लोगों के घरों तक जो नर्मदा का पानी है वो पहुँचता है, और जो पानी अगर पहुँचता तो कितना सफाई रहती उस पानी में, कहीं जो भी जो ड्रेनेज की लाइनें हैं वो ड्रेनेज की लाइन कहीं उस पानी में मिक्स तो नहीं हो रही है, और किस प्रकार से ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से यहाँ पे मिल रही है नगर निगम के द्वारा पूरे शहर के लोगों को। और उसके बाद जो ODF प्लस प्लस की जो टीमें आई थी उन्होंने पूरा चेक किया था कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है खुले में शौच मुक्त जो पूरा शहर के मतलब किस तरीके से हो चुका है वो पूरा उन्होंने चेक किया था, और जो सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं नगर निगम के द्वारा वो पूरे नगर निगम के सार्वजनिक शौचालय को उनको पूरा उन्होंने चेक किया था कि किस प्रकार से वहाँ पे व्यवस्था रहती है, किस प्रकार से वहाँ साफ सफाई रहती है, वहाँ पे जो लोग आते हैं जो शौचालय का उपयोग करते हैं वो पूरा उनसे पूरा फीडबैक उन्होंने लिया था कि आप जो है यहाँ की शौचालय और जो यहाँ की सफाई है उससे कितना संतुष्ट हैं। ये जो दो टीमें आई थी इनके बाद जो दोनों टीमें यहाँ से गई तो काफ़ी संतुष्ट नज़र आई इंदौर की इन सब चीज़ों से। और उसके बाद ये जो टीम आने वाली है इसको माना जा रहा है कि ये टीम इस हफ्ते आ सकती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का जो सर्वेक्षण है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टीम को मानते हैं, क्योंकि ये जो टीम आएगी ये पूरा यहाँ पे आके चेक करेगी कि जो पूरा शहर में जो सफाई व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, जो गाड़ियाँ हैं जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है, जो पूरी कॉलोनी से जो कचरा कलेक्शन होता है वो पूरा किस प्रकार से कचरा कलेक्शन होता है, गाड़ियाँ वहाँ पे कब पहुँचती है, किस समय पर पहुँचती है, कैसा उन लोगों का व्यवहार रहता है, किस प्रकार से वो गाड़ियों में अलग अलग कचरा डालते हैं, गीला कचरा अलग किस प्रकार से रखते हैं, सूखा कचरा अलग किस प्रकार से रखते हैं। और ये जो टीम आएगी ये टीम जो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरा पब्लिक फीडबैक के ऊपर आधारित है। ये जो पूरी टीम है ये पूरा पब्लिक फीडबैक यहाँ से लेगी, जो पब्लिक उनसे पूछेगी आके यहाँ पे कि आप जो इंदौर शहर की स्वच्छता है, जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है उससे कितना संतुष्ट हो, वो पूरा यहाँ पे आके पूरी टीम यहाँ पे चेक करेगी। उसके बाद जो ये टीम है टिंचिंग ग्राउंड जाएगी, टिंचिंग ग्राउंड में यहाँ पे जो कचरे से खाद बनाने का जो वहाँ पे प्लांट लगा हुआ वो पूरा देखेगी, वहाँ पे ये भी सब चेक करेंगे ये कि जो सूखा कचरा किस प्रकार से अलग करते हैं, गीला कचरा किस प्रकार से अलग करते हैं, उसका क्या निपटान किस प्रकार से करते हैं, ये जो टीम है पूरा यहाँ पे आके चेक करेगी। और उसके बाद जब ये टीम यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाके पूरा ये जो यहाँ की जो कागजी जो कार्रवाई है पूरा उसको पूरा करेगी कि किस प्रकार से उन्होंने पूरा इंदौर नगर निगम ने पूरा मैनेज किया हुआ है, और इंदौर के जो लोग हैं यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि इस बार इंदौर जो है अपना चौका किस प्रकार से सफाई में लगाता है। और ये जो टीम है ये एक चीज़ और यहाँ पे पूरा देखेगी कि किस प्रकार से यहाँ पे जो शहर की सुंदरता है वो किस प्रकार से जो इंदौर नगर निगम ने की है जगह जगह जो अपने बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जो अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स यहाँ पे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स की है, और जो यहाँ की हरियाली है किस प्रकार से इस हरियाली को मैनेज करते हैं, किस प्रकार से जो सुंदरता है इसको पूरा इंदौर नगर निगम किस प्रकार से रखता है ये पूरा ये टीम चेक करेगी। कुल मिला के ये है कि जो 5000 पॉइंट है उसमें से 1000 पॉइंट्स आना बहुत ज़रूरी है। ये जो टीम आने वाली है इसमें क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टीम है, और इस हफ्ते यह टीम इंदौर पहुंचने की पूरी पूरी संभावना है, और इंदौर के जो नगर निगम के जो कर्मचारी है वो काफ़ी मेहनत और लगन से ये पूरी साफ सफाई की व्यवस्था में लगे हैं, और जो इंदौर नगर निगम के आयुक्त हैं आशीष सिंह वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे पूरी टीम के साथ में हाथ कंधे से कंधा मिला के लगे हुए हैं। सुबह 4 बजे से पूरी टीम जो है पूरे अलग अलग इलाकों में शहरों में अपने अपने जगहों पे जाके पूरी निकल के साफ सफाई पूरी व्यवस्थाएं देखती है, पूरी व्यवस्था साफ़ करती है, पूरी जो भी है गंदगी को पूरा साफ़ करती है, पूरे शहर को साफ़ करती है। और कुल मिला के ये है कि जो इंदौर है इस बार लगातार जो है जीत का चौका लगाने की पूरी पूरी तैयारी में है।